हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो कि ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है। आज का व्लॉग हमारा होने वाला है एक कार प्रोडक्ट है जो कि है 3M की वैक्स, और मैंने कुछ अपना माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ्स है वो मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, जो कि अभी थोड़ा सा गंदा हो चुका है। और तो गाइस, अभी आपको मैं बताता हूँ, मैंने ये 3M की वैक्स जो है, ये कार वैक्स है, ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। आज ही ये मेरे को डिलीवर हुआ है, और साथ ही में जो है मैंने जो लिक्विड पॉलिश है, जो डैशबोर्ड पॉलिश है, ये मैंने ऑर्डर किया है, और साथ में माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ्स है ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो गाइस, आज मैं आपको इस चीज़ का आपको मैं रिव्यू करके बताऊँगा, अपनी गाड़ी पर अप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो पर इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है, आपको मैं पूरा बताऊँगा। हाँ, सो गाइस, जो है आपको वैक्स करने से पहले जो है अपनी जो भी आपकी सरफेस है गाड़ी की, इसको एक बार क्लीन करना पड़ेगा आपको पूरा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, जो कि आप जो किसी भी स्प्रे का यूज़ कर सकते हो आप उसको क्लीन करने के लिए, नहीं तो आप एक बकेट में पानी लीजिए और पूरी गाड़ी को एक बार जो है पूरी इसको साफ़ करना। साफ़ करने के बाद जो है फिर ये सूखने के बाद फिर आपको माइक्रोफाइबर जो है वो अप्लाई करना है, वो आपको मैं बताऊंगा कि आपको वैक्स जो कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल आप देखिए, मैं अभी अपनी गाड़ी का जो बोनट है वो मैं पूरा साफ़ कर रहा हूँ, गाड़ी की जो भी सरफेस है वो मैं पूरी साफ़ कर रहा हूँ। और गाइस, माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमेशा गाड़ी के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और काफ़ी इसमें माइक्रोफाइबर होते हैं जो कि पानी को जो है रिटेन नहीं करने देता गाड़ी के ऊपर, और जो है वैक्सिंग आपकी अच्छी होगी। सो गाइस, ये है 3M की वैक्स जो कि मैंने अभी ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, और आपको मैं इसको खोल के ओपन करके बताऊंगा। तो गाइस, ये जो है इसका फोम है जिसके साथ में हमने इसको अप्लाई करना है, और गाइस ये है 3M की वैक्स, और मैं इसको अभी आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस, अभी आपको क्या करना है, ये जो अपना वैक्स है फोम से, आपको वैक्स से थोड़ा सा इसको लेना पड़ेगा सेव, और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे अप्लाई करना है आपको, ऐसे 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 आपको अप्लाई करना है। और गाइस, जैसे आप इसको अप्लाई कर दोगे तो सर्कुलर मोशन में जो है ये वैक्स आपने अप्लाई करना है। तो गाइस, कोशिश करिए कि जो आपने इसको मूव करना है वो सर्कुलर मोशन में हो मूव, ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए ये सारी आपकी गाड़ी पर। तो गाइस, ये इसका तरीका है इसको करने का, और मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, इवनली इसको रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये करने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि महिंद्रा जो स्कॉर्पियो है इसका डैशबोर्ड, इसका जो बोनेट है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है वैसे इसको करने के लिए। गाइस, ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखते हैं इसका रिव्यू इसके बाद कैसा आएगा, मैं आपको बताऊँगा उसको पूरा। आपने ऐसे इसको स्प्रेड करना है इन सर्कुलर मोशन, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू लीव इट फॉर 5 to 10 minutes, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वाइप इट विद माइक्रोफाइबर क्लॉथ सो दैट इट विल रिटेन इट्स शाइन। सो गाइस, अभी हमने जो है वैक्स अप्लाई किए हुए हैं, जो 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपने माइक्रोफाइबर यूज़ किया है, ऑलरेडी यूज है, आपने वो नहीं लेना, आपने अनदर क्लॉथ लेना माइक्रोफाइबर, और आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लो, आप जैसे मर्जी करिए, फोल्ड करने के बाद इसको इवनली अप्लाई करिए। जो आपने इसमें वैक्स की है यूज़, आप उस वैक्स को सर्कुलर मोशन में इसको राउंड राउंड करिए कि जो आपने वैक्स लगाई है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो गाइस, ये है वैक्सिंग का प्रोसीजर, और मेरे ख्याल से भी काफ़ी शाइन लिखने लग रहा है मेरे को काफ़ी, आपको बताएंगे पूरी गाड़ी को वैक्स करने के बाद। तो गाइस, अभी हमने फाइनली जो है वैक्स अप्लाई करने के बाद टोटल गाड़ी में वैक्स कर दी है, और उसको रिमूव भी कर दिया है। और गाइस, अभी मैं आपको चेकआउट थोड़ा करवाता हूँ कि जो शाइन, देखिए गाइस, ये जो शाइन आ रही है कितनी अच्छी सी इस पर शाइन आ रही है,
और आप देख सकते हो इसमें जो रिफ्लेक्शन आ रही है, जो ऊपर ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की देखिए आप गाइस, ऊपर रिफ्लेक्शन कितनी अच्छी सी आ रही है। और आपको पूरा वॉक राउंड दिखाते हैं, ये जो देखिए कितना बढ़िया से इसको हुआ है रिटेन। और मैं यही बोलूँगा कि इसका जो रिव्यूज़ है ठीक ही है, मतलब आपको कम पैसों में अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अगर आपको चाहिए गाड़ी में तो आपको मिल जाएंगे इससे। और ये तो ये मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं अगर आपने इसको परचेज़ करना है अमेज़ोन से, आप मैं आपका लिंक जो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसमें डाल दूंगा। और गाइस एक चीज़ और ऐड ऑन कर लूँगा कि कोई भी जो अनयूज्ड क्लॉथ्स होते हैं घर पे, कभी भी आप उनको यूज़ मत करिए। लोग क्या करते हैं कि आप उन्हीं जो क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं, प्लीज़ 300-400 जो है 3-4 आपको माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स आ जाएंगे, आप गाइस उसी से इसको साफ़ करिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।